मध्यकालीन निर्गुण संत कबीरदास के दोहों में काया योग, रहस्यवाद, जीववाद, निर्गुणवाद एवं परम तत्व रूप राम आदि अनेक सिद्धांतों की झलक मिलती है। मूलतः कबीर अद्वैत वेदांती है। कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुण नहीं है, निर्गुण होते हुए भी कबीर दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज है। संत कबीर की साधना में ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिश्रण है, अपूर्व मिलन है। ढोंग, आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कट्टर विरोधी कबीरदास जी रहे। उन्होंने समाज के उन सभी आडंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है जो बाहरी दिखावा के पक्षधर है। दिखावा का मतलब समझ रही हो? दिखावा, जो हम है नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है। आडंबर उसी को कहते हैं। बाल मुंडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त्र रंगा लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता, दाढ़ी रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कबीरदास जी इसको आडंबर मानते रहे। हम स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, परंतु दूसरों के कमियों को, त्रुटियों को देखते फिरते हैं। अपने घर को, अपने आचरण को नहीं सुधारते, पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आंकते, अपनी छिद्रों को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के छिद्रों को बड़ा करने में मशगूल रहते हैं। अपने अवगुणों को देखना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते। वहीं दूसरों के गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने के लिए लगे रहते हैं, कुचक्र रचते रहते हैं। कबीरदास जी इन सभी आडंबरों के विरोधी थे। उनका कहना था कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखो, अपने आप को झूठे श्रृंगार में मत लाओ, बनाओ श्रृंगार, यह आडंबर है। महान संत कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके जन्म और मृत्यु तिथि विवादित है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए कबीरदास जी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में, जुलाहा परिवार में हुआ। यही कारण है कि कबीरदास में दोनों संस्कारों का मिश्रण है। एक बार परिस्थितियों से ऊब कर कबीरदास जी बैरागी हो गए और वन वन भटकते रहे, पर जब उन्हें वे कष्ट वन में भी प्रतीत हुए तो घर रहकर ही उन्होंने वास्तविक विरक्त जीवन अपना लिया और वही जीवन व्यतीत करने लगे। वे शरीर से ही नहीं मन से बैरागी थे, सच्चे मन के पुजारी थे। संत कबीरदास जी अपने संपूर्ण जीवन में अपने को कभी किसी धर्म या किसी पंथ से नहीं जोड़ा। कबीर सच्चे साधक और संत सच्चे संत थे, योगी थे। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब आज संपूर्ण समाज जाति, धर्म, रंग भेद, वर्ण भेद में बढ़ता नजर आ रहा है, समझ रही हो? जाति भेद, हमारा जाति क्या है, हम उसी जाति को हम चाहेंगे, यही होता है जाति। धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं हम उसी धर्म के लोगों से प्यार करें, दूसरे के धर्म को छोटा समझें, यह गलत बात है। इस धर्म को, इस जाति को, रंग भेद को, हम गोरे हैं तो काले लोगों से घृणा करें, ये रंग भेद है, और वर्ण भेद, इन सबों को वो बहुत ही खराब मानते थे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार असार है, कोई किसी का अपना नहीं है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जात, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ा वे बा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे देखते हुए संसार
ताल के मुख में जा रहा है और संसार के देखते हुए हम वहां से चले जाएंगे। ऐसा कोई गुरु आज तक हमें नहीं मिला जो बाह पकड़कर हमें काल से मुक्त करा ले, जो बाह पकड़कर हमें खींच ले और काल से निजात दिला दे। क्या बात है, क्या संत कबीर ने कहा है कि मरने से क्या भयभीत होना, मृत्यु तो सत्य है, इससे डरने की क्या जरूरत है। भक्ति करना है तो राम की करो। ऐसा कोई ना मिले राम भक्ति का मीत, ऐसा कोई ना मिले राम भक्ति का मीत, तन मन सौंपे मृग जो सुने बधिक का गीत। हमें भगवान की भक्ति का ऐसा सच्चा प्रेमी आज तक नहीं मिला जो मृग के समान अपना तन मन भक्ति को समर्पित कर देता और मरने वाले के गीतों को भी भक्ति पर मुग्ध होकर मरने वालों के गीत पर भी गीतों को सुनकर भक्ति पर मुग्ध होकर मरने से भयभीत नहीं होता। तो हमसे अच्छा तो मृग है, हम भयभीत होते हैं लेकिन मृग अपना अपनी प्राण गंवा बैठता है। किस तरह से? ऐसा कोई ना मिले भक्ति का मीत, तन मन सौंपे मृग जो सुने बधिक का गीत, कबीरा सुने भक्ति का। संत कबीरदास जी कहते हैं अपने को ऐसा बना, ऐसी साधना कर जिससे दोबारा जन्म की संभावना ही नहीं रहे। इस बात को इस तरह से समझो, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मनुष्य योनि में आते हैं, अपने कर्मों के सत्कर्मों के आधार पर पुनः जीवन जीते हैं और पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन सच्चा मृत्यु वही है जो आवागमन से हमें मुक्त करा देता है। तो संत कबीर कहते हैं कि ऐसे अपने आप को बनाओ, ऐसे साधना में अपने आप को डुबो, रद्द कर दो कि आने की और दोबारा जन्म लेने की संभावना ही समाप्त हो जाए। मरने से पूर्व साधक बनो, तभी जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। कबीर ऐसे मरी मुआ जो बहु दिन मरना हो। सांसारिक विषयों में फंसकर मरते मरते यह जगत नष्ट हो रहा है, पर किसी को उचित अवसर पर मरना नहीं आता। अवसर क्या है, उचित अवसर क्या है? अपने आप को इस योग्य बना लेना कि मरने से पूर्व अपने आप को इस ऊंचाई पर पहुंचा लेना कि मरने से ही छुटकारा, जीने से ही छुटकारा फिर मिल जाए। तो मरते मरते यह जगत नष्ट हो रहा है, पर किसी को सही समय पर मरना ही नहीं आता। ज्ञान पूर्वक संसार के विषय वासनाओं एवं शरीर के अभ्यास का त्याग ही उचित अवसर की मृत्यु है।